Hi everyone. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to share with you a new cue card from the list and that is describe a place in a village that you visited. एक village में कोई place है उसको explain करना है जहाँ पर आप गए हो and uh, you should say where it is कहाँ पर है वो place when you visited this place कब आप वहाँ पर गए and what you did there आपने वहाँ पर क्या किया and how you feel about the place about this place और कैसा feel किया उस place के बारे में आई एम ट्रेवल फ्री एंड आई हैव विजटेड टू न्यूमरियस विलेजस एंड सिटीज़ मैं ट्रैवल फ्री को मतलब मुझे ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आई हैव विजट टू न्यूमरस विजेस एंड सिटीज़ और मैंने काफ़ी विजेस और सिटीज़ में विज़िट किया हुआ है बिकॉज़ इट हैल्प्स मी टू इनहस माई नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंट रीजनस एंड रिलिजन्स क्योंकि ये मुझको हेल्प करता है अपनी नॉलेज को इनक्रीज़ करने के लिए रिगार्डिंग डिफरेंट क्षेत्रों के और धर्मों के रिलेटेड बट दिस द बट द विजिट टू विज विच इज़ रियली मेमोरेबल फॉर मी इज़ दैट वेन आई विजिटेड टू द कम्युनिटी हॉल ऑफ द विज कोसी इन उत्तर प्रदेश मगर एक बार जब मैंने विजिट किया जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल है जब मैं कहाँ पर गया कम्युनिटी हॉल में गया कौन से विलेज में कोसी विलेज में जो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में आया विच इज़ ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड किलोमीटर अवे फ्रॉम माई विज जो कि लगभग पाँच सौ किलोमीटर दूर है मेरे विलेज से आई विजिटेड देयर अबाउट सिक्स मंथ्स अगो मैं वहाँ वहाँ पर सिक्स मंथ्स पहले गया वेन देअ वॉज द मैरिज ऑफ़ माई फ्रेंड जब वहाँ पर मेरे फ्रेंड की मैरिज थी ही इन्वाइटेड मी उसने मुझको इन्वाइट किया एंड डी डोंट वॉन्ट टू मिस एंड आई डी डोंट वॉन्ट टू मिस द बोट इट इज़ एन नीडियम बच्चे विच इज विच मीन्स फेल टू टेक द एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी और मैं क्या उस टाइम पर जो मुझे एडवांटेज मिल रही थी उसको लेना लेने को फ़ेल नहीं करना चाहता था मतलब एडवांटेज लेना चाहता था बिकॉज आई हैड नाव और देयर इन लाइफ क्योंकि मैं वहाँ पर कभी भी नया गया नहीं गया था इट ए टुक मी ऑलमोस्ट ट्व आवर्स टू गो दे रही है मुझको लगभग ट्वेल्व आवर्स लगे वहाँ पर जाने के लिए आई स्पेंड ऑलमोस्ट अ वीक एट दैट प्लेस मैंने उस प्लेस पर लगभग अ वीक स्पेंड किया हमने जहाँ तक टू क्यूज के आंसर दे दिए हैं फर्स्ट वन वेयर इट इज़ उसका आंसर दे दिया और वैन यू विजट दै प्लेस ऑलमोस्ट सिक्स मंथस हो गए मैं वहाँ पर गया आई डिड आ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिंग्स की देर वे ऑफ कुकिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्स उनका तरीका खाना पकाने का हमसे टोटली डिफरेंट था एंड आई लर्न दैट एंड मैंने वो सीखा आई हेल्प दैम इन अरेंजमेंट्स ऑफ मैरिज मैंने उनकी हेल्प की अरेंजमेंट्स में मैरिज की ऑन द डे ऑफ वैडिंग वेडिंग के दिन पर वी ऑल विजिटेड टू कम्युनिटी हॉल हम सब लोग कम्युनिटी हॉल में गए बिकॉज मैरिज टू प्लेस देअर क्योंकि मैरिज वहाँ पर हुई एंड इट्स स्टोन थ्रो अवे फ्राम माई फ्राम देयर हाउस और ये उनके घर से थोड़ी दूरी पर था स्टोन स्ट्रेज एंडियम बाई द कम्युनिटी हॉल वॉज डेकोरेटेड कलर ऑफ फ्लावर्स एंड बैलून्स कम्युनिटी हॉल था वो डेकोरेट किया गया था डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स के साथ और बैलून्स के साथ आई गिव सरप्राइज टू माई फ्रेंड बाई सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हिम मैंने अपने फ्रेंड को सरप्राइज दिया उसके लिए गाना गाकर लेटर आई गिवेल गेव अ गिफ्ट गिफ्ट टू माई फ्रेंड एंड डांस टू विद हिम बाद में मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया और उसके साथ डांस किया इसमें हमने उस क्यू का आंसर दे दिया कि आपने वहाँ पर क्या किया और अब आप हम आंसर देंगे कि कैसा आपको फ़ील हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस द एयर इन द विलेज विज वॉज फ्रेश एंड पोल्यूशन फ्री इसके अलावा जो एयर थी विलेज में काफ़ी फ्रेश थी और पल्यूशन फ्री थी एंड द एटमोसफेयर वॉज ऑल्सो वेरी कम एटमोसफेयर भी काफ़ी अच्छा था इट गेव मेरलीव फ्रॉम माई मोनोटरस एंड एक्टिक्स

टली वहाँ पर जाऊँगा सो इट्स अ प्लेस इन अ विलेज वेयर आई रियली एंजॉयड अ लॉट सो यही एक प्लेस थी विलेज में जहां पर जाकर मैंने काफी ज्यादा इंजॉय किया सो so इस तरह से अब हमारा सैम्पल आंसर कंप्लीट है एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द फॉलो अप क्वेश्चन and the first question is do young people enjoy living in the countryside kya young log enjoy karte hain countryside mein rehna and the answer is no young people don't like to live in the countryside nahi young log nahi pasand karte countryside mein rehna because they want to enjoy more facilities that are usually not available in countryside kyunki wo zyada facilities ko enjoy karna chahte hain jo jyadatar jo hai countryside mein available nahi hoti and the second, second question do old people prefer to live in countryside or ना सिटी ये जो ओल्ड पीपल है वो कंट्री साइड में रहना पसंद करते हैं या फिर सिटी में रहना पसंद करते हैं

एंड द थर्ड क्वेश्चन वाई डू मैनी पीपल मूव फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू बिग सिटीज़ क्यों ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्मॉल टाउन से बिग सिटीज़ में मूव करते हैं एंड द आंसर इज मोस्टली पीपल माइग्रेट फ्रॉम स्मॉल टाउन टू बिग सिटीज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू इंजॉय मोर फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशन क्योंकि वो सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं मेडिकल हेल्थ और एजुकेशन की वो इंजॉय करना चाहते हैं इसीलिए वो मूव कर जाते हैं कंट्री साइड से सिटीज़ में एंड द फोर्थ क्वेश्चन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन दंट्री साइड एंड लिविंग इन दिटी क्या डिफरेंस है कंट्री साइड में रहने का और सिटी में रहने का एंड द आंसर इज इन दंट्री साइड परसेंस कैन एंजॉय द काम एंड पीसफुल एटमोसफेयर काम और पीसफुल एटमॉसफेयर वहाँ पर लोग इंजॉय कर सकते हैं कंट्री साइड में पीपल ओवर देयर फ्रेंडली एंड ऑफ हॉस्पिटेबल नेचर के होते हैं लोग वहां पर फ्रेंडली होते हैं दे मोस्टली हैव गुड रिलेशन विद देयर नेबर्स उनके अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं ऑन द कंट्री पीपल कैन एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज मेडिकल हेल्थ एंड एजुकेशनिज इन सिटीज इसके अलावा जो सिटी में लोग हैं ज्यादा कर सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हाउ हेज लाइफ चेंज इन दीड इन यूर कंट्री आपकी कंट्री में कंट्री साइड में लाइफ कैसे चेंज हो गई है इन माई कंट्री ऑल द कंट्री साइड आर गोइंग टू बी कनेक्टेड विद सिटीज वो कनेक्ट किए जा रहे हैं कंट्री साइड सिटीज़ के साथ नाउ वट इज़ न्यूमरस फैसिलिटीज़ कैन बी सीन इन द कंट्री साइड आज कल ज़्यादातर फैसिलिटीज़ कितनी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो देखी जा सकती है कंट्री साइड में भी जो पहले क्या है अकेली सिटीज़ में ही देखी जाती थी एंड सिक्स्थ क्वेश्चन वाई डू पीपल वॉन्ट टू गो टू द कंट्री साइड वट आर द एडवांटेजेस ऑफ़ लिविंग इन द कंट्री साइड क्यों लोग कंट्री साइड में जाना चाहते हैं और कंट्री साइड में रहने की एडवांटेजेस क्या है एंड द आंसर इज पीपल वॉन्ट टू गो टू कंट्री साइड सो दैट दे कैन इन्जॉय बोथ द वर्ड सो दैट दोनों वर्ड्स को वो इंजॉय कर सके इसीलिए वो कंट्री साइड में जाना पसंद करते हैं जाकर रहना चाहते हैं वॉन्ट टू एंड दे कैन इन्जॉय द पीसफुल एंड काम इन्वायरमेंट ऑफ़ द विलेज एंड द फैसिलिटीज ऑफ सिटीज सो दैट वो क्या कर सके कि काम एंड पीसफुल इन्वायरमेंट विलेज वाला भी इंजॉय कर सके और फैसिलिटीज़ भी इंजॉय कर सके ऑफ सिटी सिटीज़ की फैसिलिटीज़ की भी इंजॉय कर सकें एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर टू क्यू कार्ड एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू